स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की एक और सबसे बेहतरीन वीडियो में। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं जो आपकी 7 पुश्तें निकाल दे कमाई देते देते, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक मैरिज हॉल स्टार्ट कर सकते हैं। मैरिज हॉल एक ऐसा बिजनेस है जिसे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। एक मैरिज हॉल को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने रुपए तक हम इससे कमाते हैं, क्या जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी ही कई सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक मैरिज हॉल स्टार्ट करने के लिए अगर हम लोकेशन और एरिया की बात करें तो कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड है ऑन रोड। ऑन रोड से मेरा मतलब है किसी ऐसे एरिया में जहां पर अच्छी खासी आबादी हो और चलती हुई सड़क हो। 10,000 स्क्वायर फीट इसलिए क्योंकि आपको इसी में अपना पार्किंग एरिया भी मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप मैरिज हॉल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके अंदर कुछ सुविधाएं हैं जो आपको देनी पड़ेंगी, जैसे कि कैटरिंग की सुविधा, डीजे की सुविधा और टेंट हाउस की सुविधा। यदि आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इनके लिए आप अदर लोग जो कि टेंट का बिजनेस करते हैं या डीजे का बिजनेस करते हैं या कैटरिंग का बिजनेस करते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप पार्टनरशिप में या फिर आप उन्हें ऑर्डर पर भी अपने पास बुलवा सकते हैं। पर एक से अधिक लोगों से आपको संपर्क रखना पड़ेगा क्योंकि जब शादियों का सीजन आता है तो वैसे में वो सभी लोग बिजी हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आपके कांटेक्ट एक से अधिक बिजनेस वालों से हो ताकि अगर कोई एक लोग बिजी हैं तो दूसरे बंदे से आप अपना काम चला सकें। किस तरीके का होना चाहिए हमारा मैरिज हॉल, हम इसकी बात करते हैं। तो कम से कम 5 से 6 लग्जरी रूम्स आपके मैरिज हॉल के अंदर होने चाहिए। एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए। वॉशरूम्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। पार्किंग फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए और बीच में एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए एक अच्छे मैरिज हॉल के लिए। ज़रूरी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं यदि आप एक मैरिज हॉल स्टार्ट करना चाहते हैं तो। इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप एक मैरिज हॉल स्टार्ट करते हैं तो आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया हो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC लेनी होगी। इसी के साथ में यदि आप कैटरिंग की सुविधा शुरू करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस यानी FSSAI के द्वारा लाइसेंस लेना होगा। हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट रहती है यदि हम एक मैरिज हॉल स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम एक अच्छे लेवल पे अच्छा मैरिज हॉल स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए हमारा इन्वेस्ट होने वाला है इसमें। और यदि अर्निंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में सीजन कैसा गया है, कितनी डिमांड रही है, कितने लोगों ने मैरिज हॉल बुक किया है। फिर भी एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो आप 1 साल के अंदर 50 से 60 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं यदि आपने एक अच्छा मैरिज हॉल एक अच्छे लोकेशन पर स्टार्ट किया है तो। क्योंकि मैरिज हॉल में केवल पार्टियां ही नहीं होती हैं, कई सारे सेमिनार्स होते हैं, कई सारे और भी फंक्शंस होते हैं जिनके लिए मैरिज हॉल बुक होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मैरिज हॉल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा आपको मुनाफा ही देगा और काफी मोटा मुनाफा देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।